बद्रीनाथ धाम में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ परिसर में बिछी बर्फ की सफेद चादर नजारा ऐसा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। विकासनगर के चक्राता में हुई भारी बर्फबारी, रोड बंद होने से दर्जन भर गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा। बर्फबारी होने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। टिहरी जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी, स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत। दूर दराज से पहुंचे पर्यटक ले रहे बर्फबारी का मजा। चंबा मसूरी नेशनल हाईवे पर रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। लगातार बारिश से अल्मोड़ा के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू। अल्मोड़ा के बिनसर में सैलानी उठा रहे बर्फबारी का आनंद। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी सच हुई, ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। मुनस्यारी के खलिया, मिलम, नामिक, हंसलिंग और पंचाचूली में हो रही बर्फबारी। कानपुर की नई जिलाधिकारी नेहा शर्मा पहुंची शहर। जिलाधिकारी नेहा ने कोषागार में कार्यभार किया है ग्रहण। चुनाव आयोग ने कानपुर की डीएम विशाखा जी को हटाया था। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना। छिवली बॉर्डर को सील कर बाहरी जनपदों से आने जाने वाली गाड़ियों को की चेकिंग हो रही। अलीगढ़ में सिपाही के हाथ बंदूक लूट कर चेक करते वक्त अचानक से गोली चल गई। छर्रे लगने से 3 लोग जख्मी हो गए, सभी को इलाज के बाद घर भेजा गया। एसएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में किया है लाइन हाजिर। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर पर तेजी से जारी है काम। इस प्रोजेक्ट का पहला लुक सामने आया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए बड़े आरोप। कहा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां सत्येंद्र जैन को कर सकती हैं गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। अरुणाचल के युवक मिराम तोरण को सुरक्षित वापस करेगा चीन। सुरक्षित वापसी का चीन ने दिया भरोसा। रूस और यूक्रेन विवाद पर टिप्पणी के बाद जर्मनी के जर्मन नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल अचिम ने दिया है इस्तीफा। कहा जर्मन सेना और नागरिकों के लिए दे रहा हूं इस्तीफा। टिप्पणी में कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया को दोबारा से वापस नहीं पा सकता, इसके लिए पुतिन सम्मान के हकदार। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन ने कैंसिल की अपनी शादी। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते फैसला लिया। 2017 में सबसे कम उम्र की न्यूजीलैंड की पीएम बनी थी अर्डन। केपटाउन में आयोजित तीसरे वनडे मुकाबले में भारत 4 रनों से हारा। 288 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया 283 रनों पर सिमटी। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया।